जो महिला सेक्सुअली एक्टिव है उनमें कभी ना कभी किसी मात्रा में ह्यूमन पैपिलोमा वायरस का इन्फेक्शन होता है। अगर इन्फेक्शन कम मात्रा में है तो बॉडी अपने आप ही फाइट करके उसको कम कर देती है, लेकिन अगर इन्फेक्शन बार बार हो रहा है या परसिस्टेंट है तो आगे चल के उसका कैंसर का रूप ले लेती है। तो इसीलिए प्रेफरेबली हम ये वैक्सीन सजेस्ट करते हैं कि लड़कियां सेक्सुअली एक्टिव यानी संबंध रखने के पहले के एज में ही इनको दे दिया जाए। तो 9 साल से 14 साल के बीच में अगर हम देते हैं तो इसके 2 डोजेस हैं 6 महीने के अंतराल पर, और 14 साल के लड़कियों के ऊपर में इसके 3 डोजेस हैं 1 महीना और 6 महीने के अंतराल पर। इसका कोई भी बूस्टर डोज नहीं है और इसको हम प्रेगनेंसी में नहीं देते, लेकिन अगर ऐसा होता है कि वैक्सीन लेने के बाद में प्रेगनेंसी रह गई है तो उसमें कोई घबराने की बात भी नहीं है। सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन 70% ऑफ द कैंसर्स को रोक सकता है, 85% ऑफ ह्यूमन पैपिलोमा वायरस इन्फेक्शंस को रोक सकता है, और 100% जेनाइटल वार्ड्स के अगेंस्ट में इम्यूनिटी देता है। जेनाइटल वार्ड्स एक तरह का सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है, इस वायरल इन्फेक्शन के कारण से होता है। तो देखिए, एक सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन इतने सारे एडवांटेजेस है तो इसको डेफिनेटली लगवाना चाहिए ताकि हम सेफ रहे और कैंसर की भी रोकथाम करें। पहले बहुत बड़ा चैलेंज था कि ये वैक्सीन बहुत कॉस्टली होने की वजह से कई महिलाएं इसे नहीं लगवा रही थी, लेकिन अब गुड न्यूज़ ये है कि मेड इन इंडिया सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन बहुत जल्द अवेलेबल होगा, तो इसको डेफिनेटली लगवाएंगे और वो भी बहुत कम दाम में। तो ज़रूर लगवाएं, स्पेशली गर्ल्स बिटवीन 9 ईयर्स टू 14 ईयर्स, ताकि हम कैंसर का जो है कि रोकथाम कर सकें। स्टे सेफ।